मऊ विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सेना के हेमा फायरिंग रेंज पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सैनिकों द्वारा हजारों पौधे लगाए गए, जिसमें सेना के लेफ्टिनेंट जनरल PN अनन्याय नारायणन प्रमुख रूप से मौजूद रहे। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सेना एवं ग्राम पंचायत भाटखेड़ी द्वारा नमामि देवी नर्मदे प्रोजेक्ट के अंतर्गत सेना की हेमा फायरिंग रेंज परिसर में अमृत वाटिका बनाई गई, जिसमें सैनिकों व ग्रामीणों के द्वारा पौधारोपण किया गया। वहीं इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल PN अनंत नारायणन ने कहा कि इस तरह के आयोजन होते रहना चाहिए, ताकि सेना एवं सिविलियंस में सामंजस्य बना रहे और हम पर्यावरण का ध्यान रख सकें। ये नमामि देवी नर्मदे प्रोजेक्ट, इसमें इन्फेंट्री स्कूल को इसमें हिस्सा लेना ये बहुत गर्व की बात है। जो इस राज्य सरकार ये हमारे पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए इतना कोशिश कर रहे हैं, इसमें हम जो है आर्म्ड फोर्सेस भी इसमें बहुत हमारे लिए ये गर्व की बात है इसमें हिस्सा लेना। और वी मस्ट डू दिस फॉर द कमिंग जनरेशंस, जो आने वाले साल, आने वाले जो पीढ़ी जो है उनके लिए जो है बहुत ज़रूरी है कि वातावरण को अच्छा रखें, अच्छा बनाएं, और ताकि सब लोग स्वस्थ रहें। सर, सिविलियंस और आर्मी फोर्स में किस तरह सामंजस्य बना रहे हैं, उसके लिए क्या कहते हैं? सिविलियंस और आर्मी एक ही है। हम सब इस देश के वासी हैं, जैसे हम देश की सेवा कर रहे हैं, बाकी लोग सब लोग भी अपनी तरफ अपने अपने तरीके से अपने सर्विस कर रहे हैं नेशन के लिए, और सब अगर एक साथ मिलकर करें तभी जो है नेशन आगे बढ़ेगा। सर, प्लांटेशन को लेकर किस तरह का मैसेज आप देना चाहते हैं? ये देना चाहता हूँ कि प्लांट तो किया हमने, लेकिन इसको सर्वाइव करना, इसको देखभाल करना वो बहुत जरूरी है, वो जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, हम करेंगे। हम आपको बता दें कि इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल PN अनंत नारायणन AVSM SM कमांडेंट द इन्फेंट्री स्कूल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में ब्रिगेडियर ज्ञानेश्वर सिंह, कर्नल संजय ठाकुर, अपर कलेक्टर एवं जिला पंचायत CEO वंदना शर्मा, जनपद CEO पंकज दरोठिया, सरपंच महमूद सेठ आदि उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, महू।